छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्राम जेवरी से गलत जगह पर चेक डैम निर्माण कराने का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 80 एकड़ खेत में पानी भर गया, जिसको लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बीते साल प्रभावित किसानों की शिकायत के बावजूद अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। देखना यह होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। एक और छत्तीसगढ़ सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार कहती है, वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार गुहार लगे किसान अब थक चुके हैं। एक जांच बात तो हो गई नहीं, काबर के हम 2 साल से गुहार लगावा थे, वो साइड बने हैं मोहल्ले मार्ग में, तो वो ही मन वो साइड तो वो साइड भी वो अधिकारी मन हम ले जब पैसे की आप मन हमारे की जमा था हमन सरकारी योजना के काम करा था ऐसे तक में हमारे बोले रही थे, और ये साइड भी बना है तो ये साइड भी पूरा वो खना खना के किसान के था पूरा फसल चौपट हुआ थे। 2 साल हो गए और हो गए हैं, तीसरा साल एक ही किसान भोगा थे छोटे से ये समस्या होती, खेत की नुकसान होती, बर्बादी होती, और ये कोई जिनका कोई फायदा नहीं, और डैम बने हैं ना ये साइड मानना रही थी वही साइड हो गई, खेत वाला के कत्ता नुकसान हुआ थे, वो कत्ता किसान के नुकसान ही हुई, और सभी पानी भर गई थी, और एक लगा पूरा ऐसे दिखा थे हर पर के मेरे नहीं हो जो है खेतों में अभी जो पानी भर गया है उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे जल संसाधन विभाग और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भेज के मौका मुआयना कराया जाएगा, किसानों को समस्या का हल पूरी खार है। यहाँ चेक डैम बनाया गया है, वैसे पहिंदा खार में चेक डैम बनाया, अनावश्यक चेक डैम बनाया गया पैसा खाने के लिए, इसका फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है, सैकड़ों एकड़ किसान का फसल प्रभावित हो रहा है डुबान के कारण से, लगातार किसान लोग आवाज उठा रहे हैं, जब बन रहा था तब भी किसान लोगों ने आवाज उठाई थी अनावश्यक चेक डैम बनाया जा रहा है, इससे फसल का चौपट होगा, तो उस समय अधिकारियों ने इनको इनको चमका दिया कि आप लोग हम लोग के बीच में ना आए, नहीं आप लोग के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज किसान परेशान है, लगातार 8 महीने से कभी कलेक्टर पास कभी विधायक के पास ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही।